मुकामा और गोपालगंज के बाद अब बिहार में बारी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की है। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजे से राज्य में सरकार की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मगर मैदान में उतरे उम्मीदवारों का भविष्य यह उपचुनाव जरूर तय करेगा। राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा के साथ ही उम्मीदवारों का कद पार्टी में या तो कमजोर होगा या फिर मजबूत होगा। बड़े राजनीतिक दलों के जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की वर्ष 2025 के विधानसभा आम चुनाव में दावेदारी मजबूत जरूर होगी, लेकिन वहीं अगर चुनाव हारे तो पार्टी में उनका कद पहले से और कम तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आगे के लिए सभी रास्ते भी बंद हो जाएंगे। वहीं छोटे दल के उम्मीदवारों का बेहतर प्रदर्शन हार के बाद भी उनके लिए बड़ी पार्टियों का दरवाजा खोल सकता है। 7 साल बाद आमने सामने हो रहे भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता और जदयू प्रत्याशी मनोज कुमार कुशवाहा के लिए यह चुनाव दोधारी तलवार है। उपचुनाव भले ही एक मौका है, मगर इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा है। 2015 के चुनाव में पराजित हो चुके मनोज कुशवाहा के लिए राजद ने अपनी सिटिंग सीट खाली की है। अगर वह जीत दर्ज नहीं कर पाते हैं तो अगले चुनाव में सीट पर राजद का दावा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए सीट छोड़ने पर राजद के दावेदारों में नाराजगी साफ दिख चुकी है। सीट गंवाने वाले राजद के निवर्तमान विधायक अनिल सहनी पहले ही नाराजगी दर्ज करा चुके हैं। वहीं सहनी के एक और नेता शेखर सहनी राजद छोड़ निर्दलीय मैदान में हैं। ऐसे में राजद अपने नेताओं की नाराजगी मोल नहीं लेगा। वहीं जदयू भी हार की स्थिति में नए विकल्प पर विचार करेगा। पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अबोध कुमार भाजपा में शामिल हो गए हैं। वही जीत की स्थिति में निश्चित रूप से उनका दावा मजबूत होगा। कमोबेश यही स्थिति केदार गुप्ता के लिए भी है। उन्हें उपचुनाव में भाजपा ने कई नेताओं पर तरजीह दी है। बसावन भगत एवं कई युवा चेहरे टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। पिछले चुनाव में कम वोटों के अंतर से हार को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर केदार गुप्ता पर भरोसा जताया है। जीत के साथ ही 2025 चुनाव का टिकट भी वो इस बार फाइनल कर सकते हैं। हार की स्थिति में पार्टी में ही विरोध के स्वर मजबूत होंगे। उनके घर में ही टिकट की दावेदारी चल रही है। इसके अलावा भाजपा अपने आधार वोट को मजबूत करने के लिए हो सकता है कि अगले चुनाव में भूमिहार उम्मीदवार पर दांव खेल सके। ऐसा इसलिए कि कुढ़नी के साथ बोचहा, कांटी और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट के लिए भूमिहार के वोट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात छोटे दल के उम्मीदवारों की। पिछले विधानसभा आम चुनाव में नामांकन रद्द होने से बाहर हुए नीलाभ कुमार वीआईपी से इस बार मैदान में हैं। उनका प्रदर्शन दूसरे दल की नजर खींचेगा। विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक रहे साधु शरण शाही के नाती होने से उनकी मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इसके अलावा राजद से बागी हुए शेखर सहनी को खुद को साबित करना होगा। अगर वह अपनी जाति के वोटों में सेंधमारी कर पाए तो उनकी पहचान कायम रहेगी। मनरेगा मजदूरों की लड़ाई से राजनीति के मैदान में आए संजय कुमार उर्फ संजय सहनी फिर निर्दलीय ही मैदान में हैं। पिछले चुनाव में 4,802 वोट लेकर चौथे नंबर पर थे। इस वोट बैंक में अगर इजाफा कर पाए तो दूसरे दलों का ध्यान उनकी ओर जरूर जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए हार के बाद भी यह उपचुनाव आगे के लिए शुभ संकेत जरूर हो सकता है। लाइव बिहार,
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।